ओके गाइस, तो गाइस आज हम जावा में स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं ये हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंगल अल्फ़ाबेट लिखूँ तो सिंगल अल्फ़ाबेट को हम कैरेक्टर कहते हैं, और सिंगल अल्फ़ाबेट हमेशा आपको यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है, ओके। और डबल इन्वर्टेड में अगर मैं लिखूँ, डबल इन्वर्टेड में लिखूँ तो इट इज़ कॉल्ड ए स्ट्रिंग। अब अगर मैंने सिंगल कैरेक्टर भी डबल कोट में लिखा तो आप मुझे बताओ इट इज़ कैरेक्टर और स्ट्रिंग। फर्स्ट इट इज़ कैरेक्टर और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही माना जाएगा ना। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ कंसिडर एज अ स्ट्रिंग। तो ये बात स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि अगर मैं सिंगल कोटेशन में लिखूं तो इट इज़ कॉल्ड अ कैरेक्टर, और अगर मैं डबल कोटेशन में लिखूं तो इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रिंग। क्योंकि डबल कोटेशन का मतलब होता है उसको ग्रुप कंसिडर करता है। अब ठीक है, एक आदमी का ग्रुप हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ कंसिडर एज अ स्ट्रिंग इन जावा। तो सिंगल कोटेशन में अगर मैं लिखूं जावा के अंदर तो वो हमेशा कैरेक्टर होता है। फिर आप बोलेंगे सर अगर मैंने ऐसा लिखा सिंगल कोटेशन में इट इज़ अलाउड और नॉट, सो इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ नॉट अलाउड। अगर आपको एक पर्सन बोला तो आपको एक ही पर्सन जाना है, आप बोलेंगे सर हम दोनों एक ही है ना, इट्स नॉट अलाउड, है ना, दो जिस्म एक जान है सर हम, चलता है कैसे, नॉट अलाउड, चलेगा ही नहीं, ओके। तुम्ही असू द्या तिकडे, मग दोन जिस्म एक जान असू द्या, मला एकच जिस्म पाहिजे इथे, एकच माणूस पाहिजे, सो दॅट्स इट। सो अगर आपको कॅरेक्टर कन्सिडर करना है ना तो आप वापस एक ही कॅरेक्टर मेन्शन करोगे। बट अगर मैं डबल कोटेशन में स्ट्रिंग लिखूँ तो इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। अगर आपके घर से दो लोगों को बुला गया है और आप एक ही लोग जाते हैं तो चलता है, उल्टा सामने वाले का उतना बच जाता है खाना, है ना, तो इट इज़ अलाउड बट इट इज़ नॉट अलाउड, ओके। सो ये बात हमेशा याद रखो कि कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोटेशन में रखा जाएगा और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन में रखा जाता है। तो अगर मैं इंटीजर ऐसा लिखूँ तो इट इज़ कॉल्ड एज इंटीजर, बट अगर मैं इंटीजर को ऐसा लिखूँ तो इट इज़ कॉल्ड एज कैरेक्टर, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। सो अगर मैं सिंगल कोटेशन में नंबर भी लिखूँ ना तो इट कंसिडर एज अ कैरेक्टर। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूल है। और अगर मैं एक नंबर, कोई नंबर ऐसा है जो मुझे डबल कोटेशन में अगर मैंने लिख दिया तो इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रिंग। तो ये बेसिक रूल्स है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी कोई भी चीज़ हो, फिर वो नंबर हो, कुछ भी लिखो आप, जिसने आपने डबल कोट में लिख दिया इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। सो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फाबेट, डिजिट्स, व्हाटएवर, इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रिंग, ओके। तो अब ये स्ट्रिंग तो आपको पता चल गया। अब मुझे ये स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए C++ के अंदर कैरेक्टर का एरे बनाना पड़ता था, ओके। अगर आपको याद आ रहा है तो अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ता था, याद आ रहा है सबको, यस और नो? C++ में हम इस तरीके से स्ट्रिंग डिक्लेयर करते थे। C++ में स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए आपको एरे बनाना पड़ता था और वो एरे का टाइप होता था कैरेक्टर। बट अब अगर हम जावा की बात करें तो जावा के अंदर, जैसे जावा आपने शुरू में ही पढ़ा है, जावा इज अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, करेक्ट, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ईच एंड एवरीथिंग इन जावा एज एन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो हर चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड क्लास में कंसिडर होने वाली है। तो अब आपको अगर वहाँ पे जावा के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करना है तो जावा ने हमें एक स्टैंडर्ड क्लास प्रोवाइड किया है, हमें कुछ करना नहीं है, उसने एक स्टैंडर्ड क्लास प्रोवाइड किया है, उस क्लास का नाम है स्ट्रिंग, और उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होगा। ये जो पहला लेटर है ना, ये हमेशा कैपिटल ही होगा, तो स्ट्रिंग। तो जब आपको जावा में स्ट्रिंग स्टोर करना है तो यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, स्ट्रिंग यस इक्वल टू यू नो लाइक दिस, ओके। तो जावा के अंदर आपको स्ट्रिंग बनाना बहुत आसान है, आपको एरे बनाने की ज़रूरत है नहीं, आपको एरे बनाने की ज़रूरत है नहीं, जो हम C++ में करते आ रहे थे। जावा के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए यू जस्ट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास,
और ये स्ट्रिंग क्लास एक स्टैंडर्ड क्लास है, स्ट्रिंग एक स्टैंडर्ड क्लास है जो हमेशा हमें सिस्टम पैकेज में मिलता है। कौन से पैकेज में मिलेगा? सिस्टम पैकेज, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, बिकॉज सिस्टम पैकेज बाय डिफॉल्ट इम्पोर्टेड इन एवरी जावा प्रोग्राम। जैसे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट लिखते लाइक दिस, तो ये इस तरीके से स्ट्रिंग क्लास हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो स्ट्रिंग इज अ क्लास, तो अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है जावा के अंदर, तो यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, सिंपल थिंग। ओके, अब अगर हम यहाँ पे एक पावर पॉइंट में आपको प्रेजेंटेशन में बताता हूँ कि स्ट्रिंग किस तरीके से वहाँ पे यूज होने वाला है, स्ट्रिंग। ओके गाइस, तो स्ट्रिंग किस तरीके से क्रिएट होता है जावा के अंदर, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। सो जनरली स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। किस तरीके से होता है? अगर हम सिंगल कैरेक्टर को भी डबल कोट में लिखे तो भी वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा, इसीलिए। तो आप देखिए, मैंने जो बोला जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, ओके लैंग पैकेज है वो, एक्चुअली सिस्टम पैकेज नहीं, लैंग पैकेज है। सो जावा डॉट लैंग पैकेज, तो ये जो जावा डॉट लैंग पैकेज होता है ना, अगर आपको पूछा गया वाइवा में कि विच पैकेज इज बाय डिफॉल्ट इम्पोर्टेड इन एवरी जावा प्रोग्राम, तो आपको लिखना है जावा डॉट लैंग। कौन सा पैकेज लिखना है? जावा डॉट लैंग, है ना। बाकी पैकेज आपको मैन्युअली इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जैसे हम यूटिल पैकेज इंपोर्ट करते हैं, बट जावा के अंदर एक ऐसा पैकेज होता है जो बाय डिफॉल्ट एवरी प्रोग्राम में आता है, दैट इज जावा डॉट लैंग। क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं जो बाय डिफॉल्ट हमें लगते हैं, दैट्स वाई जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज ये ऑलरेडी आपके हर प्रोग्राम में आता है, यू डू नॉट नीड टू इम्पोर्ट दिस पैकेज। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग क्लास है ना, वो क्लास लैंग पैकेज में आता है, लैंग पैकेज दैट इज लैंग्वेज पैकेज, जावा डॉट लैंग पैकेज में ये स्ट्रिंग क्लास वहाँ पे आता है। ओके, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे स्ट्रिंग क्लास क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग क्रिएट की, एक्चुअली तीन किया, स्ट्रिंग यस इक्वल टू वेलकम, स्ट्रिंग टी इक्वल टू टू जावा, एंड देन इन दोनों को मैंने प्लस किया, मतलब कॉन्केटिनेट किया, कॉन्केटिनेट। जब हम दो स्ट्रिंग को प्लस करते हैं ना, तो वो कॉन्केटिनेट होते हैं। सो स्ट्रिंग एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैंने वेलकम टू जावा को एक साथ कर दिया, दैट इज एक्स। सो दिस इज अ स्ट्रिंग इन जावा। ओके गाइज, तो अभी जावा में स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करना है उसका एक सिंपल प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल प्रोग्राम हम यहाँ पे करते हैं जावा के स्ट्रिंग का, कि स्ट्रिंग किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, और फिर बाद में ये स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे फंक्शन है जो जावा के ऊपर काम करते हैं। सो न्यू यहाँ पे मैंने लिया, ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, इसको सेव करते हैं पहले, सेव सेव एज, और जनरली हमने जो फोल्डर बनाया हुआ है वहाँ पे जाते हैं। सो ई ड्राइव, ओके, ओके, आई एम गोइंग टू सेव इट स्ट्रिंग टेस्ट, ये नाम इसको मैंने दे दिया, या फिर एस टी आर टेस्ट, सिंपल छोटा नाम देते एस टी आर टेस्ट। सेव करते हैं, सेव करने के बाद आपका फाइल सेव हो गया, आई एम जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट पैड। सर डॉट जावा है ना? सर एक्सटेंशन ना लगा, सॉरी डॉट जावा चाहिए, करेक्ट, सॉरी, सेव एज कर देते हैं उसको वापस, सेव एज, हाँ एस टी आर टेक्स्ट डॉट जावा, करेक्ट। मैं देख रहा था आपका ध्यान है कि नहीं, ओके, कि आप लेक्चर में सो जाते हो, ये थोड़ा सा देखने के लिए मैंने किया। सो strtest.java, इस फाइल को सेव किया, डॉक्यूमेंट्स में गए, फॉर्म साइज इंक्रीमेंट किया। नाउ अभी पैकेज तो आपको लेना नहीं है, सो सीधा सीधा हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास strtest, वही नाम देना पड़ेगा, अपने पास चॉइस नहीं होता है। ओके, जो फाइल को नाम वही नाम हम इसको देंगे। सो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग एरे क्रिएट करते हैं। अभी ये आपको समझ में आ गया होगा, इट इज़ द एरे ऑफ स्ट्रिंग, मतलब इस एरे के अंदर हम मल्टीपल स्ट्रिंग होल्ड करेंगे। ओके, अब नाउ मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग यस इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलकम, ओके, और दूसरा स्ट्रिंग लिख रहा हूँ स्ट्रिंग टी इक्वल टू टू GHR IBM। ओके, अब इन दोनों का एडिशन मुझे करना है, जस्ट स्ट्रिंग एस टी इज इक्वल टू यस प्लस टी, ओके, एंड नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा एस टी लिख देता हूँ मैं, एस टी। ये हो गया आपका मेथड कंप्लीट, ये हो गया क्लास कंप्लीट। आई एम गोइंग टू सेव इट, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते, कंट्रोल वन शॉर्टकट से कंपाइल करते इसको। ओके, द कंपाइल टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, नाउ गोइंग टू रन इट, वेलकम टू जी एच आर आई बी एम। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग स्ट्रिंग वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग। ओके, अब आते हैं हमारा अगला कंसेप्ट, इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। नाउ हाँ, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग। ये जो लेक्चर है उसको ब्रेक कर देते हैं वीडियो को।